नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में मिले कोविड-19 के नए मामले। बीते दिन बिहार में कोविड-19 के नए मामलों की पुष्टि हुई है। खबरों की माने तो सूबे में स्वास्थ्य मंत्रालय की दूसरी अपडेट के अनुसार 7 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों का कुल आंकड़ा 535 पर पहुंच गया है। खबरों की माने तो पाए गए पॉजिटिव मरीजों में कैमूर, सिवान और कटिहार जिले के हैं, जिसके बाद बिहार के 32 जिले कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अब तक कई लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी जा चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रभावितों के आंकड़े को देखते हुए सख्ती से कदम उठा रही है। सिवान में एक बार फिर मिला कोविड-19 प्रभावित। सिवान जिले में लगातार कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। 10 दिन की राहत के बाद सिवान के लिए कोविड-19 एक बार फिर परेशानी का सबब बना हुआ है। अब बसंतपुर से कोविड-19 की चेन बनने लगी है। बीते दिन मंगलवार को एक बार फिर इसी प्रखंड से संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है, जिसके बाद जिले में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 32 हो गई है। वहीं इससे ठीक होकर 25 लोग अपने घर पहुंच गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे जिले को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। बिहार में बारिश के साथ चली तेज आंधी से फसलें हुई खराब। बिहार में बीते दिन तेज बारिश के साथ चली आंधी पानी से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। राज्य के कई जिलों में भीषण आंधी पानी की वजह से फसलें काफी ज्यादा बर्बाद हुई हैं। खबरों की माने तो बारिश का सबसे ज्यादा असर आम और लीची पर पड़ा है। वहीं इस फसल को छोड़कर अन्य फसलों पर भी इस आंधी पानी का काफी ज्यादा असर देखने को मिला और काफी ज्यादा बर्बादी भी हुई है। कोविड-19 के इस माहौल में गरीब के खाते में जाएंगे कम से कम 3,000 रुपए। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच गरीबों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर संभव कोशिश करके उनकी मदद कर रही है। इसी क्रम में बीते दिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार का कोई भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके खाने पीने के अलावा खाते में कम से कम 3,000 रुपए की सहायता राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि विभिन्न राहत योजनाओं के तहत राज्य सरकार 5,867 करोड़ तो केंद्र सरकार 6,745 करोड़ रुपए की सहायता DBT के जरिए गरीबों को दे रही है, जिससे कि अब बिहार में रह रहे कमजोर तबके के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में बाहर फंसे छात्रों को लेकर दानापुर पहुंची एक और ट्रेन। कोविड-19 के कारण बंद के ऐलान के बाद जो छात्र जहां थे वहीं पर फंसे रह गए। वहीं बीते दिन छात्रों को लेकर एक और ट्रेन दानापुर पहुंची है, जहां पर छात्रों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसके बाद उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कोटा से बिहार पहुंचने वाली है तीसरी ट्रेन है, जो ट्रेन पहले ही बरौनी और गया रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। पटना पहुंचने पर वहां मौजूदा पटना जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी अक्सर छात्रों का ताली बजाकर स्वागत करते हैं, फिर उन्हें जांच के लिए जगह जगह पर भेजा जाता है। बालू खनन की प्रक्रिया बीते दिन से हुई शुरू। सभी घाटों पर बालू खनन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार बंद की कुछ रियायतें तो दे रही है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के सभी बालू घाटों पर खनन की प्रक्रिया शुरू करवाते ही सोशल डिस्टेंसिंग को खास ध्यान रखने की अपील की है। इतना ही नहीं, सरकार ने बालू घाटों पर खनन की इजाजत दी है। साथ ही यह भी कहा है कि बालू घाटों पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन किया जाए। इतना ही नहीं, सभी मौजूदा लोगों से मास्क पहनने और समय समय पर हैंड वॉश करने की भी अपील की गई है। पटना जिले में निजी संस्थान को नहीं खोलने का जारी किया गया आदेश। देश भर में जारी बंद के माहौल में प्राइवेट सेक्टर इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब सरकार कार्यालय को खोलने की अनुमति देगी, मगर कोविड-19 के बढ़ते स्तर के कारण सरकार ने ऐसा नहीं किया है। रेड जोन में शामिल होने की वजह से फिलहाल पटना में केवल सरकारी दफ्तर को खोलने के लिए इजाजत दी गई है। वहीं DM कुमार रवि ने यह साफ बताया है कि अगर किसी निजी संस्थान ने अपने कार्यालय को खोलने का काम किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी कार्यालय में जाने वाले सभी कर्मचारियों से समय समय पर सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। समस्तीपुर में मिला कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति दिल्ली से ट्रक के जरिए पहुंचा था बिहार। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने समस्तीपुर को ग्रीन जोन में डाला था, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन समस्तीपुर में एक कोविड-19 प्रभावित मरीज पाया गया है। खबरों की माने तो प्रभावित व्यक्ति कुछ दिनों पहले दिल्ली से ट्रक के जरिए बिहार पहुंचा था। हालांकि प्रभावित व्यक्ति के मिलने के बाद परिजनों को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। वहीं पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन के काम को शुरू करवा दिया है। इतना ही नहीं, प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। पटना एम्स में शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया। जहां बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और RMRI ने प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को सख्त मना कर दिया था, वहीं अब पटना एम्स में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद पटना एम्स में सारी तैयारी पूरी कर ली गई। हालांकि उसको इस थेरेपी के लिए इलाज के लिए फिलहाल डोनर की तलाश है। आपको बता दें, ICMR वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने के जरूरी दिशा निर्देश को सभी संस्थानों को समझाएगा। फिलहाल होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 संस्थान शामिल होंगे।
मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा की उम्मीद बढ़ी। बिहार बोर्ड ने समय पर इंटर के रिजल्ट को तो जारी कर दिया था, मगर मैट्रिक के रिजल्ट को जारी करने में समय कोविड-19 ने अपनी चपेट बनाना शुरू कर दिया था और यही कारण है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। हालांकि बीते दिन बिहार बोर्ड समिति द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार रिजल्ट जारी होने की उम्मीद जताई गई है, जिसे की कॉपियों की जांच का फैसला लिया जाएगा। वहीं इस बाबत बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कर कोविड-19 के बचाव से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल के छात्र करेंगे स्मार्टफोन से पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूल के सभी छात्र अब स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई करेंगे। बिहार सरकार ने छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर सिलेबस को अपलोड कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पास पुस्तक नहीं रहने से पढ़ने पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों के चैप्टर वाइज पुस्तकों को साइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे कि अब छात्र bst.bpc.gov.in पर जाकर किताबों को देख सकते हैं। सुशील कुमार मोदी ने वक्त के साथ बदलने की दी नसीहत। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन लोगों से अपील की है कि उन्हें समय के साथ खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। यह बात उन्होंने कोविड-19 को फैलने से रोकने और बंद के नियमों का पालन करने के संदर्भ में कही है। बंद के इतने दिनों बाद सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट में लिखा है कि बंद का पालन करें, घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले वो आपके खिलाफ ही हो, मगर आपको वह करना चाहिए। वक्त के हिसाब से खुद में बदलाव बेहद जरूरी है। किसान की बर्बाद हुई फसलों के अनुदान की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश। बेमौसम हो रही बरसात और आंधी की वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई किसानों की फसल बर्बादी को लेकर दी जाने वाली अनुदान को लेकर चर्चा की है। इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार के अलावा और भी अधिकारी मौजूद रहे थे। आपको बता दें, इससे पहले भी सरकार ने खराब मौसम की वजह से लगातार कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए किसानों का ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया जा रहा था। रियल स्टेट के काम की पटना में होगी शुरुआत। बीते दिन से पटना में रियल स्टेट का काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। निर्माण कार्य कराने के लिए सबसे पहले बिल्डर को ऑफर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कार्य योजना की बात कहना अनिवार्य होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, आवेदन के साथ मजिस्ट्रेट स्थल निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा काम शुरू किए जाने या नहीं किए जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद ही कहीं पर भी निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। बिहार के अंदर फंसे लोगों को घर भेजे जाने पर हो रहा है सोच विचार। जहां एक तरफ बिहार सरकार बाहर फंसे लोगों को वापस बुला रही है, वहीं अब सरकार बिहार के अंदर फंसे लोगों को घर भेजे जाने पर मंथन कर रही है, जिस पर जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद जताई गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार में परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा है कि बिहार के अंदर फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। 17 मई तक बंद खत्म होने से पहले इसका कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे बिहार में फंसे लोगों को काफी उम्मीद मिली है। कोविड-19 में ड्यूटी से गायब है 362 सरकारी डॉक्टर। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच सभी आम नागरिकों को सिर्फ डॉक्टर से ही अब उम्मीद बची है। ऐसे में अब सरकारी डॉक्टर्स ही कायम से गायब दिख रहे हैं। खबरों की माने तो बीते दिन 362 सरकारी डॉक्टर अपने काम से गायब दिखे हैं, जिसके बाद सरकार ने आनन-फानन में ऐसे सभी डॉक्टर्स के लिए शो कॉज जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। वहीं एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि विभाग की तरफ से की गई जांच में 31 मार्च से 12 अप्रैल के बीच कुल 7 जिलों के 362 चिकित्सा पदाधिकारी अपनी ड्यूटी पर नहीं आ पाए थे। इन्हीं सबको देखते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। बिहार में 18 कोविड-19 के मरीज हुए स्वस्थ। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही, वहीं इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन बिहार में 18 नए मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद सूबे में ठीक होने वालों का आंकड़ा 160 पर पहुंच गया है। हालांकि प्रभावितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को हिम्मत मिली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि बिहार में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 की चेन को तलाशने की पहल को तेज की अपील की है। कोविड-19 के बढ़ते असर को लेकर नीतीश कुमार कर रहे हैं सभी पार्टियों के नेता से बातचीत। बिहार में कोविड-19 के माहौल में राजनीति भुलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जिसमें बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। आपको बता दें, बिहार में कोविड-19 की समस्या पिछले 1.5 महीने से है और ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों के साथ बातचीत की और विपक्षी दलों से बातचीत की है।
बंद के बीच प्रवासी पक्षियों ने दी बिहार में दस्तक। यह नजारा पश्चिम चंपारण में देखने को मिला है, जहां पर नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि व्यास रिवर के पास गंडक बराज में जलाशय में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। प्रवासी पक्षियों की कई झुंड गंडक नदी के साथ ही सहायक नदियों में भी दिखने लगे हैं। यह सभी प्रवासी पक्षी बिना किसी परेशानी और शांत माहौल के कारण वापस आना शुरू हो गए हैं, जिनके आगमन के बाद वन एवं पर्यावरण विभाग काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहा है। खबरों के माने तो सभी प्रवासी पक्षी गुलाबी ठंड के बीच दस्तक देते हैं, लेकिन इस बार ये शांत वातावरण को देखते हुए पहले ही आ गए हैं। घर घर चल रहे सर्वे से अब तक 8.25 करोड़ लोगों की हुई स्क्रीनिंग। कोविड-19 के लगातार बढ़ते असर के कारण साथ ही इसके चेन के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत घर घर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेज किया गया था, जिसके बाद अब तक कुल मिलाकर 8.25 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,742 लोग सर्दी खांसी और सामान्य लक्षण से पाए गए हैं। इनके सैंपल्स की जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है और साथ ही बंद के दौरान राज्य से बाहर से आने वाले 65 लोगों में अब तक कोविड-19 पॉजिटिव के मामले मिले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोविड-19 के ठीक होने का आंकड़ा 27% है। वहीं राज्य के 7 जगह पर कोविड-19 की जांच भी की जा रही है। IGIMS बना नोडल एजेंसी। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही जिला अस्पताल में भी इसकी जांच शुरू करने की कवायद की जा रही है। पहले चरण में सभी मेडिकल कॉलेज में लैब खोलने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद सभी जिलों के जिला अस्पतालों में कोविड-19 जांच की शुरुआत करने की पहल का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही कोरोना जांच लैब स्थापित करने के लिए IGIMS पटना को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके तहत जिला अस्पतालों में संबंधित ट्रेनिंग की जिम्मेदारी IGIMS की होगी। खबरों की माने तो IGIMS में अलग अलग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों व पारा मेडिकल स्टाफ टेक्नीशियन को कोरोना जांच का एडुकेशन दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। JEE मेंस और नीट की परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। JEE मेंस और नीट की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिससे कि मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए डेट के अनुसार नीट 2020 की परीक्षा 26 जुलाई को होगी, वहीं JEE मेंस की परीक्षा 19 जुलाई को होगी। छात्रों से ऑनलाइन होने वाली चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के बढ़ते परेशानी में छात्रों के मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी बताया कि परीक्षा की तारीख का ऐलान करने से पहले 27 अप्रैल को अभिभावकों के साथ भी संवाद किया गया था, जहां पर छात्रों की मानसिक स्थिति के बारे में जाना गया था। कोविड-19 की ट्रेसिंग होगी अब एक कॉल से। बिहार सरकार कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को तलाशने के साथ ही इसके चेन की सारी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इसके तहत एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो के साथ मिलकर देशभर में कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत जल्दी सरकार की तरफ से आम नागरिकों को कॉल आ सकती है और कोविड-19 के लक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से 900 लोगों को कॉल करके कोरोना के लक्षणों के बारे में पूछा जा सकता है। खबरों की माने तो जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप है या फीचर फोन है, उनके पास यह कॉल जा सकते हैं। 7 से 13 मई के बीच विभिन्न देशों के लिए 64 उड़ानें होंगी रवाना। उक्त ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि दूसरे देशों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों को रवाना किया गया है, जिसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शिकागो से दिल्ली वापस आने वाले यात्रियों को 1 लाख, जबकि लंदन से मुंबई आने वालों से 50,000 अदा करने को कहा गया है। वहीं ढाका से दिल्ली की उड़ान के लिए लगभग 12,000 का भुगतान करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार ने पहले दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को अपने अपने राज्य पहुंचाने का काम शुरू किया था, वहीं अब दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने की मुहिम तेज कर दी है। गेंदबाजी में लार की जगह वैक्स फॉर्मूला का हो सकता है इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया की खेल उत्पाद कंपनी कुकर बुरा ने बताया कि हाल ही में खेल के दौरान लार और पसीने के विकल्प के तौर पर मोम के विकल्प का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत कंपनी ने वैक्स एप्लीकेटर तैयार करने का ऐलान जारी किया है, जिससे कि कोविड-19 के बाद क्रिकेट जगत में गेंदबाजों को गेंद चमकाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, अक्सर खेल के मैदान में सभी गेंदबाज गेंद को चमकाने के लिए अपने लार का इस्तेमाल करते हैं, मगर कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण इसके लक्षणों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की खेल उत्पाद कंपनी ने यह ऐलान जारी किया है, ताकि खिलाड़ी पारंपरिक उपयोग से बच सके। वहीं हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों को देखते हुए गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है शैलेंद्र कुमार, सुभाष राय, योगेंद्र प्रधान, बालाजी, मिंटू कुमार, श्याम मुखर्जी, मिठू कुमार, गुड्डू कुमार, सूर्यमणि कुमार, अशोक सिंह, भोला भोजपुरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन वेबसाइट माध्यम से पढ़ाने का फैसला कितना कारगर साबित होगा, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।